हेलो फ्रेंड, बंद्रा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तीन तरह के स्वीट कॉर्न चाट। स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 कप पानी। फ्लेम को ऑन कर देंगे, हम इसे ढक देंगे और पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न। पानी में उबाल आ गया है, अब हम स्वीट कॉर्न को डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे ढककर 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो इसे 2 सीटी आने तक पका लें। करीब 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे, ढक्कन को हटाएंगे। आप देख सकते हैं स्वीट कॉर्न अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे ताकि जो पानी है वह अलग हो जाए। अब हम चलते हैं स्वीट कॉर्न चाट बनाने के प्रोसेस में। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप गरम स्वीट कॉर्न और इसमें डालेंगे बटर। अब हम इसे मिलाएंगे ताकि स्वीट कॉर्न में बटर अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे, पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा एक स्वीट कॉर्न चाट बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आपने देखा इसे बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है और खाने में भी टेस्टी है। अब हम दूसरे फ्लेवर में स्वीट कॉर्न चाट बनाएंगे। मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप स्वीट कॉर्न और बटर डालेंगे। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। अगर स्वीट कॉर्न ठंडा रहेगा तो बटर मेल्ट नहीं होगा, तो आप गरम स्वीट कॉर्न में ही बटर डालें। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच हरे धनिए की चटनी, नींबू का रस, नमक डालेंगे 1/4 चम्मच या स्वाद अनुसार। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। तीखी चटपटी स्वीट कॉर्न चाट बनकर तैयार है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा भुजिया सेव भी डाल सकते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। लीजिए, दूसरे फ्लेवर में स्वीट कॉर्न चाट बनकर तैयार है। बनाने में जितना ही सिंपल है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। अब हम तीसरे फ्लेवर में बनाएंगे स्वीट कॉर्न चाट। बाउल में डालेंगे 1 कप बॉयल स्वीट कॉर्न, इसमें डालेंगे बटर। बटर आप अपने पसंद से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न में बटर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक। इसे और भी चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू का रस। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए, हमारे तीसरे फ्लेवर का स्वीट कॉर्न चाट बनकर तैयार है। आपने देखा मैंने तीन तरह से स्वीट कॉर्न चाट को बनाया। इसे बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है और टेस्ट में भी एक से बढ़कर एक है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगा।